हेलो, राजस्थानी रेखा की रसोई में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं आपके साथ फिर से एक नई रेसिपी लेके आई हूँ। उम्मीद है आपको ये रेसिपी पसंद आएगी। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, और आप मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन भी दबा देना ताकि जब भी कोई नई वीडियो आए तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम छोटे वाले प्याज की सब्ज़ी बनाएंगे। इस सब्ज़ी को हम साबुत प्याज से बनाएंगे और यह सब्ज़ी खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। ये देखिए, मैंने छोटे वाले प्याज को छील के ले लिया। इसे हमें नीचे की साइड से काटना है। जिस साइड में जड़ होती है उस साइड से नहीं काटना है, दूसरी साइड से ऐसे प्लस का कट लगाना है और पूरे प्याज में नहीं लगाना है, बस आधे प्याज तक ही लगाना है। ये देखिए, इस तरह मैं आपको एक प्याज और काट के दिखाती हूँ। ये देखिए, इस तरह से हमें इसके दोनों साइड में ऐसे कट लगाना है। प्लस का कट लगा देंगे, इससे कि प्याज हमारे अंदर से अच्छे से पक जाएंगे और ये दिखने में भी अच्छे लगेंगे। और ये देखिए, मैंने सारे प्याज को काट के तैयार कर लिया है। अब हम एक कढ़ाई लेंगे और कढ़ाई में थोड़ा सा तेल डालेंगे। जैसे ही तेल गर्म हो जाएगा हम इसमें प्याज डाल देंगे। जो हमने छोटे वाले प्याज काट के रखे हैं वो इसमें डाल देंगे और प्याज को लो फ्लेम पे 3 से 4 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे। आप चाहे तो इस स्टेज को स्किप कर सकते हैं, लेकिन इससे सब्ज़ी बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है, तो आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए। इसमें ज़्यादा तेल नहीं लगता, जितना आप रेगुलर सब्ज़ी में डालते हैं बस उतना ही तेल डालना है। और जब इनका हल्का सा कलर चेंज हो जाए और प्याज हमारे हल्के से सॉफ्ट हो जाए तब हमें इन्हें निकाल लेना है। ये देखिए, प्याज फ्राई होना शुरू हो गया है और ये हमारे प्याज पूरी तरह से फ्राई हो चुके हैं। अब हम इन्हें एक प्लेट में निकाल लेंगे। इससे ज़्यादा हमें प्याज को कुक नहीं करना है, बस लगभग 50% तक ही कुक करना है। ये ऊपर से अच्छे से ब्राउन हो गए हैं। अब इसी तेल में हम थोड़ा सा जीरा डालेंगे और थोड़ी सी राई डालेंगे। तेल हमें एक्स्ट्रा यूज़ नहीं करना है, बस उसी तेल में ये हो जाएगा। अब हमने जो राई और जीरा डाला है उसे एक बार चला लेंगे ताकि वो अच्छे से चटक जाए। ये मैंने 2 हरी मिर्च लिए, इनको बारीक चॉप करके इसमें डाल दिया है और हरी मिर्च को हम हल्का सा भून लेंगे। और ये मैंने 8 से 10 कलियाँ लहसुन की ली थी, इनको बारीक बारीक काट लिया है, लंबा पतला। इसे दिखने में भी हमारी सब्ज़ी अच्छी लगेगी और जब ये लहसुन मुंह में आएगा तो और ज़्यादा अच्छा लगेगा। लहसुन को भी हमें आधे मिनट के लिए भून लेना है, इससे ज़्यादा नहीं भूनना है। और अब हम इसमें प्याज ऐड करेंगे। ये मैंने एक बड़े साइज़ का प्याज लिया, इसको बारीक चॉप करके ले लिया, इसे भी हम डाल देंगे। प्याज को हम एक बार चला लेंगे और जब तक हमारा प्याज भून रहा है तब तक हम एक काम और कर लेते हैं। ये मैंने एक कटोरी ली है, कटोरी में हम थोड़ा सा पानी डालेंगे और अब हम इसमें मसाले ऐड करेंगे। मैं इसमें 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर ऐड कर रही हूँ, 1/2 चम्मच हम इसमें हल्दी पाउडर ऐड करेंगे, 1 चम्मच भर के हम इसमें नमक ऐड करेंगे, 2 चम्मच हम भर के इसमें धनिया पाउडर ऐड कर देंगे। इन सभी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। नमक मिर्ची आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा ऐड कर सकते हैं। आप इस तरह से मसालों को सब्ज़ी में डालेंगे तो मसालों का टेस्ट भी सब्ज़ी में अच्छा आएगा और मसाले जलेंगे भी नहीं। और ये देखिए, प्याज हमारे अच्छे से भुन गए। अब हमने जो मसाला बना के रखा है पानी में घोल के, उसको एक बार मिक्स कर लेंगे और इसे सब्ज़ी में डाल देंगे। आप चाहे तो इसमें सूखे मसाले भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन वो थोड़े से जल जाते हैं, इससे टेस्ट अच्छा आता है। थोड़ा सा कटोरी में पानी डाल के जो मसाले कटोरी में बच गए वो भी इसमें डाल देंगे। और अब हमें इसे चलाते रहना है, गैस की फ्लेम लो रखनी है और जब तक इसमें से तेल अलग नहीं हो जाता तब तक हमें मसालों को अच्छे से भूनना है। और ये देखिए, तेल सब्जी से अलग होने लगा है। अब हम इसमें दही ऐड करेंगे। ये मैंने 1 कटोरी खट्टा दही लिया है। अब हम इसमें दही ऐड करेंगे और दही को लगातार चलाते रहेंगे जब तक कि दही में अच्छे से उबाल नहीं आ जाता। आप चाहे तो दही की जगह टमाटर की प्यूरी भी ऐड कर सकते हैं, 2 से 3 टमाटर की प्यूरी बना के डाल दीजिए, या आप चाहे तो इसकी जगह इसमें दूध की फ्रेश क्रीम भी डाल सकते हैं। ये देखिए, दही में अच्छे से उबाल आ गया है। अब हमें दही को तब तक पकाना है जब तक ये पूरी तरह से सूख नहीं जाता और सब्जी से पूरा तेल अलग नहीं हो जाता। और ये देखिए, बीच बीच में हमें चलाते रहना है। दही हमारा अच्छे से पक चुका है और सारा तेल अलग हो गया है। अब हम इसमें पानी ऐड करेंगे। मैं इसमें 2 ग्लास पानी ऐड कर रही हूँ। सब्जी को अभी हमें ढक के पकाना है तो इतना पानी काफ़ी है। अगर आपको ज़्यादा ग्रेवी पसंद है तो आप थोड़ा सा पानी इसमें और डाल सकते हैं। एक बार चला लेंगे सब्जी को और इसे उबाल आने तक पकने देंगे। और ये देखिए, पानी में अच्छे से उबाल आ गया है। अब हम इसमें प्याज ऐड करेंगे। जो हमने फ्राई करके रखे वो प्याज इसमें डाल देंगे। अगर आपने प्याज को पहले फ्राई नहीं किया तो आप दही डालने के बाद, दही जब अच्छे से भुन गया था
उसके बाद इसमें प्याज डाल के प्याज को 2 से 3 मिनट के लिए भून लीजिए और उसके बाद इसमें पानी डाल दीजिए। अब हम सब्जी को ढक के 5 मिनट के लिए लो फ्लेम पे पकाएंगे। बीच बीच में हमें चलाते रहना है और ये देखिए पानी इसमें काफ़ी सूख गया है और सब्जी हमारी बनके तैयार हो गई है। गैस की फ्लेम हमने लो रखी थी और ये देखिए हमारी प्याज की सब्जी बनके तैयार हो चुकी है। अब हम गैस की फ्लेम बंद कर देंगे और ऊपर से कटा हुआ हरा धनिया डाल देंगे और अब हम सब्जी को सर्व कर लेंगे। और ये देखिए हमारी सब्जी दिखने में कितनी अच्छी लग रही है और उससे कई गुना ज़्यादा ये खाने में टेस्टी है। उम्मीद है आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक करना और अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स सभी के साथ शेयर करना। और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं फिर से एक नई रेसिपी के साथ।